परेशानी सबसे तो कहियो आज तक देख लियो कोनो विधायक दलित महादलित कामत गरीब इतना जाके खाना खाए देख लिये चाहिए पीने बैठे कतो बैठे छे जत उचगर अथी रहे छे जत बड़का मकान रहल बड़का दलान रहल अपन शान बघारे लगे छे देखे ने नुकसान ककरा छे आम गरीब का छे ना आम गरीब का नुकसान। एकटा बात बताओ जत्ते प्रतिनिधि है जितना भी प्रतिनिधि घूम रहा है जो विधायक राम विधायक बनेंगे उसको पूछिए कि पंजाब के किसान के पास 5 बीघा जमीन है तो वो 20 लाख रुपया उसका इनकम है। हमारे किसान के पास 5 बीघा जमीन है तो उसका बेटा दिल्ली पंजाब कलकत्ता में रोटी होटल में काम कर रहा है छोटा मोटा काम कर गुजारा कर रहा है। गलत कह रहा सही कर रहा हूँ? अगर आपके पास 5 बीघा जमीन हो आपका बेटा पंजाब ना कमाए बाहरी इनकम ना लाए कमा करके तो आप गंजी भी पहन सकते हैं उस पैसा से नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1900 रुपया समर्थन मूल्य है धान का। कितने लोग 1900 में धान बेचा है? बेचा है कोई? अभी आपका धान 8 रुपए 10 रुपए बिक रहा है ना। लेकिन अगर आप चावल खरीद जाएंगे तो 40 रुपए है ना। आपके आलू 8 रुपए बिक गया 10 रुपए बिक गया और आप 45 रुपए आलू खरीद के खा रहे दूसरी कौन गुनागार कौन है? आप उपजाए इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास रखने का व्यवस्था ही नहीं था। गलत कह रहा हूं? अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज हो जाता अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होता तब क्या होता? तब आप 1 बीघा के अंदर 100 क्विंटल आलू होता है। हम किसान के बेटा है तो हमें पता है 100 क्विंटल आलू अगर आज कोल्ड स्टोरेज में होता और उस 100 क्विंटल को ले जाकर अभी मंडी में 45 रुपए जो आलू बिक रहा 30 रुपए बेच लेते तो बिक जाता ना तो 3 लाख रुपया पॉकेट में आता ना। यानी कि 1 बीघा का इनकम एक साल में सिर्फ एक सीजन में 3 लाख रुपया किसान का होता ना होता। लेकिन इसके लिए किसने सोचा आज ऊपर वाले की बारिश ना हो तो आप कोई फसल कर सकते हैं? 70 साल इस देश को आजाद हुए हो गया हर गांव में स्टेट बोर्डिंग नहीं हुआ। जो इस गांव में स्टेट बोर्डिंग है वो बंद पड़ा हुआ ना उसका कोई माँ बाप नहीं लाखों रुपया डूब गया। अगर स्टेट बोर्डिंग होता आलू भी करते प्याज भी करते टमाटर भी करते रखने का व्यवस्था होता तो गोभी भी करते 20 दिन तो गोभी रह जाता ना। एक बटन दबाते हो हुआ आगे पानी आता जो मर्जी करते। लेकिन 97% किसान के बाप होने के बावजूद भी इस क्षेत्र को सदैव सरकार अनदेखा कर किया है और हम किसान दुखी है। इतना तो छोड़िए आप सोचिए प्रखंड में किसने लूटा? सब लूट रहे ना प्रखंड में जाकर के आपको गिद्ध की तरह नोच रहा है ना। दाखिल खारिज में 4000 है एक ऑनलाइन में 200 आधार कार्ड में 500 दीजिए तुरंत बनेगा नहीं दीजिए तो 3 महीना का टोकन जाति आवासी में पैसे है कि नहीं है क्वारंटीन वाला 1700 में 1000 खा गया है ना 6000 में 3500 खा गया इंदिरा आवास में 30000 ही मांगता है। अभी यह बताइए इंदिरा आवास किसको मिलता है? गरीब लोगों को ना भाई। पूरा खा गया। अब बताइए एक बात बताइए बाबा इंदिरा आवास किसको सरकार देता है? गरीब लोगों को ना। गरीब लोगों के पास 30000 कहां से आएगा ना।